किसान भ्रम में है, किसान कहता है कि मैं कोई भ्रम में नहीं हूँ जी, सरकार भ्रम में है, मैं तो एकदम क्लियर हूँ। नहीं, तो नहीं, आप इसे क्या कैसे देखिए, अभी तो ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के किसान तो नहीं कर रहे, बिहार के किसान तो नहीं कर रहे। अभी धान हम लोगों का हुआ है और 1886 रुपया क्रय मूल्य तय हो गया। अब सभी लोगों को ऑनलाइन अपना बताना है, मेरे यहाँ इतना धान है, मेरे यहाँ इतना अनाज है, सबका खरीद लिया जाएगा। पैक्स लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबका धान खरीदा जाने लगा है। और देश के किसान तो पूरे देश में हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पंजाब के किसान भी महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए हरियाणा के किसान भी महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कोई किसान होंगे वो भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम किसानों की हर बात को सुनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी उन्नति का रास्ता बनाने को तैयार है। आज केजरीवाल और सपा दोनों लोगों ने, केजरीवाल तो वहाँ गए, सपा प्रदेश में सारा चीज कर रही है, जेल भरो कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं ना, इनको बस मोदी जी का विरोध करना है, किसी प्रकार मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाना है, ये भ्रम फैला। अब देखिए, ये कहते हैं MSP नहीं है, कृषि मंत्री रोज कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, किसी ने कहा कि आप बिल में लिख दीजिए कि MSP है, तो पहली बात तो कि MSP बिल का हिस्सा नहीं होता है, वो कैबिनेट जब चाहे हर साल MSP तय करती है और उसके आधार पे अलग अलग स्टेट में जो खरीद होती है वो करती है FCI, वहाँ तक पहुँचने के लिए मंडियाँ हैं, मंडियाँ भी मजबूत की जा रही हैं, और जो साधन गांव से खलिहान से ले जाके मंडी तक देती थी उसी में हमने एक और व्यवस्था बना दी कि आपके खलिहान से हम खरीदेंगे और आपके MSP के मूल्य पे खरीदेंगे, या कहीं अगर खलिहान में MSP से कम होगी तो उतना ही होगा जितना पर क्विंटल भाड़ा लगेगा मंडी तक का, किसान तो खुश हो जाएगा उसमें। तो अब इसमें जो लोग कह रहे नहीं MSP है ही नहीं, बात तो यही भ्रम है ना। सरकार ने अभी एक पूरा ब्यौरा रिलीज किया है कि मिथक क्या क्या है, भ्रम क्या क्या है और सच्चाई क्या है। उसमें लोग कह रहे हैं कि खेत चला जाएगा, सरकार कह रही है कि खेत का कोई एग्रीमेंट से मतलब ही नहीं, और एग्रीमेंट करना न करना किसान के ऊपर है, और एग्रीमेंट सिर्फ फसल का होगा कि हमारी फसल लगी है, हम इतने मूल्य में भेजेंगे, कुछ उनको एडवांस मिल जाएगा, कुछ फसल देने के बाद मिलेगा। परेशानी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी परेशानी दिख रही है तो हम किसानों के सामने नतमस्तक है मोदी सरकार, और किसान को एक एक बात समझाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मनोज तिवारी एक 200 बीघा का किसान जिसका धान का कटोरा कहा जाता है हमारा कैमूर जिला बिहार का, हम गेहूं पैदा करते हैं, हम चना पैदा करते हैं, हम सरसों पैदा करते हैं, हमारा विश्वास है कि इसी बिल से असल में किसानों का उचित मूल्य मिलने वाला है, वरना कोई भी आशा नहीं थी।